हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल की फार्मेसी। वी विल डिस्कस न्यूरो ट्रांसमीटर। वॉट इज न्यूरो ट्रांसमीटर? न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर केमिकल एजेंट्स एक्ट एज मीडिएटर विच ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरोन टू अनदर न्यूरोन थ्रू साइनेप्स। न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल एजेंट होते हैं जो कि मीडिएटर की तरह काम करते हैं, जो नर्व इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में साइनेप्स के द्वारा पहुंचाने का काम करते हैं, तो ये कहलाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, दो टाइप की क्लासिफिकेशन होती हैं। फर्स्ट वन इज फंक्शनल क्लासिफिकेशन, सेकेंड वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू फंक्शनल क्लासिफिकेशन, न्यूरोट्रांसमीटर्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट वन एक्साइटेटरी, एग्जांपल नोरएफेड्रिन, एफेड्रिन, ग्लूटामेट, हिस्टामिन, ये है एक्साइटेटरी के एग्जांपल। नेक्स्ट इनहिबिटरी, एग्जांपल गाबा, ग्लाइसिन। थर्ड बोथ एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, एग्जांपल एसिटाइल कोलिन, डोपामाइन एंड सेरोटोनिन। केमिकल क्लासिफिकेशन, according to chemical classification, neurotransmitters are choline derivatives, biogenic amine, amino acid, gases, purines, peptide, last one is miscellaneous। तो ये क्या है, सेवन टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो कि केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई किया गया है। कोलिन डेरिवेटिव, एग्जांपल एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन कोलिन डेरिवेटिव का एग्जांपल है। व्हाट इज एसिटाइल कोलिन? दिस एक्ट एज एक्साइटेटरी एक्शन which stimulate muscle contraction, memory learning and general intellectual function। तो acetyl choline excitatory action show करता है जो कि muscle contraction, memory learning and general intellectual function को stimulate करने में help करता है। deficiency, deficiency of acetyl choline causes Alzheimer disease। एसिटाइल कोलिन की कमी की वजह से अल्जाइमर डिजीज़ हो जाती है। बायोजेनिक अमीन्स, एग्जांपल डोपामाइन। दिस एक्ट्स एज इनहिबिटरी एक्शन, डोपामाइन एक्ट्स एज प्लीजरेबल सेंसेशन ड्यूरिंग मोमेंट अटेंशन एंड लर्निंग। डोपामाइन इनहिबिटरी एक्शन शो करता है, डोपामाइन मोमेंट अटेंशन और लर्निंग के दौरान प्लीजरेबल सेंसेशन का काम करता है। डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ डोपामाइन कॉजेस पार्किंसन डिजीज। डोपामाइन की कमी की वजह से पार्किंसन डिजीज कॉज होती है। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ बायोजेनिक अमीन्स, नोर एड्रेनलिन। फ्लाइट और फाइट सिचुएशन may prepare it to take action, with this it support learning memory and retrieval। noradrenaline fight or flight situation mein action lene mein prepare karta hai aur iske sath hi ye learning memory aur retrieval mein bhi madad karta hai। deficiency, नोरएड्रेनलिन की वजह से मेंटल डिसऑर्डर कॉज होता है,
यानी कि डिप्रेशन कोज होता है। नेक्स्ट एग्जांपल 5-HT 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन। सेरोटोनिन इज नोन एज 5-HT 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन। सेरोटोनिन को ही 5-HT यानी कि 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन बोला जाता है। 90% सेरोटोनिन विच इज फाउंड इन GIT ऑफ एंटेरोक्रोमोफिन सेल। 90% सेरोटोनिन GIT के एंटेरोक्रोमोफिन सेल में प्रेजेंट होता है। रेगुलेट्स मूड एंड इमोशनल स्टेट, जो कि मूड और इमोशनल स्टेट को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। डेफिशिएंसी ऑफ सेरोटोनिन कॉजेज मूड एंड डिप्रेशन। सेरोटोनिन की डेफिशिएंसी से मूड और डिप्रेशन कॉज होता है। नेक्स्ट क्लास अमीनो एसिड। एग्जांपल ग्लूटामेट एस्पर्टेट, गाबा ग्लाइसिन, हिस्टामिन। नेक्स्ट क्लास गैसेस। एग्जांपल नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्लास पेप्टाइड। एग्जांपल न्यूरोपेप्टाइड वाई, सबस्टांस पी और वैसो इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। नेक्स्ट क्लास प्यूरिन्स। एग्जांपल फर्स्ट एडिनोसिन एंड ATP। नेक्स्ट एंड लास्ट क्लास मिसलिनियस। एग्जांपल एंडोकैनबिनॉइड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल।